जस्ट नंबर 9 पुरेन, जस्ट नंबर 12 नितेश, जस्ट नंबर 10 डॉक्टर, जस्ट नंबर 5 गोमेश अमर, जस्ट नंबर 14 और रोहित, जस्ट नंबर 22। वहीं अगर बात करें डोगा एफसी की खेल सूची की कुछ इस प्रकार है। डीडा हमरम गोरक्षक की भूमिका पर है, जर्सी नंबर 21 शंकर टोडू, जर्सी नंबर 14 सुनील सरदार, जर्सी नंबर 3 दीपक टोडू, जर्सी नंबर 2 धोनी सोरेन, जर्सी नंबर 17 शुकल टोडू, जर्सी नंबर 12 अनिल पुर्ति, जर्सी नंबर 10 बोया सरदार, जर्सी नंबर 8 शुकल टोडू, जर्सी नंबर 6 लाला हंसदा, जर्सी नंबर 11 छोटराय हंसदा, जर्सी नंबर 4 गोविंद मुर्मू, जर्सी नंबर 5 और बिट्टू मंडी, जर्सी नंबर 9। हालांकि इस टीम में शुकल टोडू नाम से दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें पहला शुकल टोडू 12 नंबर जर्सी में और एक शुकल टोडू जर्सी नंबर 6 में खेलती हुई नजर आ रही है। रेफर राकेश अपने साथी खिलाड़ी डोपो के लिए। पर अच्छी क्रॉस पर जरूर थी वो सरदार के लिए और गोरा ने हेडर के जरिए अपने साथी खिलाड़ी राकेश को सरकाने का प्रयास जरूर किए थे लेकिन नाकाम रहे। शुकल पीछे पीछे यहाँ पर राकेश को अच्छी स्किल तेज तरफ शॉट जरूर थी लेकिन दिशाहीन। अरे पर शंकर के लिए जमीनी पास अनिल अपने साथी खिलाड़ी शुकल के लिए। मैं जमकर के लिए बताना चाहूंगा दोनों ही टीम में जिस तरह के खिलाड़ी ग्रैंड फाइनल मैच को खेल रहे हैं लगभग 80% जो खिलाड़ी हैं टाटा मोटर्स टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े क्लब के साथ जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं और यहाँ पर अनिल पुर्ति एक तेजतर्रार खिलाड़ी पर नितेश अच्छी क्रॉस जरूर थी लेकिन गेंद में गति रही और नतीजा विपक्ष दल के खिलाड़ी बोयो अच्छी फुटिंग और उतना ही कमाल का शॉट जरूर थी लेकिन शिवचरण को भेदने में नाकाम रहे और नतीजा कोमर का मौका मिला करती है डोगापसी को और किक लेंगे बोयो सरदार। शंकर शॉट जरूर लिए लेकिन शॉट में वो जान नहीं रही। रेपर नितेश राकेश अच्छी कंट्रोल के साथ पूरी रक्षापंक्ति को यहाँ पर भेज चुके थे लेकिन अंत में गोरा देता ही नहीं चला कंट्रोल में नहीं रहे और नतीजा दो बार जीते यार गोल पोस्ट में नहीं डाल पाए। कोई बढ़त नहीं कोई सफल नहीं। निश्चित रूप से जो टीम मैनेजमेंट थी डोगापसी की उनके धड़कने जोर जोर से धड़क रही थी जिस तरह से एक मोमेंट बनी थी टीम कुमरा एफसी के लिए। फिर से यहां पर धोनी शंकर के लिए एक जमीनी पास अच्छे कंट्रोल और
छिछा पर सुकल अच्छी टर्न छोटा कौन है अपने साथी के लिए समय के लिए गोमिया के लिए मौका बन सकता है यहाँ पर नीतेश के लिए लेकिन गेंद में थोड़ी सी गति रही और चले इसी बीच हमारे मुख्य संचालक और इसी बीच दूसरा हाफ का मैच शुरू होता हुआ गोरखचंद तो नीतेश ने राकेश के लिए बॉल को सरका दिए थे गोविंदा तो अपने साथ ही खिलाड़ी गोरखचंद के लिए और यहाँ पर गोमिया नीतेश के लिए बॉल को सरका दिए हैं लेकिन बॉल को नियंत्रण में नहीं रख पाए नतीजा पहुंच रही गोल लाइन से बाहर ठीक का मौका मिलेगा टीम डोगा एफसी शंकर के लिए बॉल को सरका दिया है गोविंदा फिर से यहाँ पर सुकल प्लेस करने का प्रयास रहा लेकिन काफी ऊंची और गेंद चली गई कोल्ड लाइन से बाहर फ्री किक लेंगे टीम कुमरा एफसी फिर से जिक्र करना चाहूंगा इस पूरी टूर्नामेंट में अगर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम है तो वो है कुमरम एफसी कोई भी ऐसे स्ट्राइकर्स नहीं बचे कुमरम एफसी के कि जिनके कदमों से कि जिनके द्वारा स्कोर देखने को नहीं मिली है हर एक स्ट्राइकर अपने अपने भूमिका को अदा किए हैं बाखूबी ढंग से निभाए हैं उससे यहाँ पर रखे इसको गोरखचंद के लिए फिर से यहाँ पर अपन करने का प्रयास और रक्षापति तैनात समय के द्वारा क्लियरेंस यहाँ पर खेल का मौका मिलेगा टीम डोगा एफसी को गोविंदा पर बैक पास शंकर के लिए और अब तक कमाल की डिफेंसिव देखने को मिला है कुमरा एफसी की तरफ से कन्हैया बिरुआ मुख्य रक्षापंक्ति भूमिका को अदा कर रहे हैं चलिए कॉर्नर का मौका डोगा एफसी ठीक लेंगे बोयो सरदार अच्छी गेंद यहाँ पर शिवचरण के लिए और यहाँ पर नीतेश बहुत ही तेज रन अच्छी मौका यहाँ पर एक अच्छी जुगलबंदी बनाने का प्रयास जरूर था लेकिन अंत में एक अच्छे मौका को गवा बैठे नतीजा कोई मौका कोई बढ़त नहीं मिली अब तक
एक मिनट बचा। एक जमीनी पास सुनील के लिए। अरे यहाँ पर दोनों अच्छे लॉन्ग मेजर पास अनिल के लिए। यहाँ पर हैंडबॉल का सूचना फ्री किक लेंगे टीम डोगापसी के मुख्य रक्षापंक्ति बिट्टू मड्डी। कई दर्शक ये सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे इस मैदान में खेल रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ शब्द से संबोधित नहीं किया हूं। मैं कहना चाहूंगा दोनों ही टीम में जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से अपने खेल को खेला है अभी तक, कल यहां पर फिर से एक मौका बन सकता है अनिल के लिए। बार बार एक अच्छी मौका जरूर बना रही है, एक मोमेंटम बनाने का प्रयास जरूर कर रही है। यहाँ पर नितेश और चलिए इसी बीच